जय बायोकेमिस्ट्री में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है जय और आज हम करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में जितने जानकारी हमको जो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ द NCERT, ठीक है, हमको उस सिलेबस को लेके चलना है जो नीट में आने वाले हैं। ओके, क्लास 11 के लिए तो सफिशियंट है, बट हमको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के नीट के लेवल का हमको तैयारी करना है। आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम से, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो जिन चीज़ों को हिंदी में बताऊंगा उन चीज़ों को इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात, हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक जो ऑर्गेनिज्म, एक जो जीव है, वो जीव कब कहलाता है। अगर कोई जो दो चीज़ है, मान के चलिए ये एक पेन है, तो इस पेन को मैं बोलूँगा कि ये जीवित नहीं है, ठीक है, ये जीवित नहीं हो। यहाँ पास एक कीड़े को ला के रख दे, है ना, यहाँ पास एक इंसेक्ट्स को ला के रख दे, इंसेक्ट को, और मैं बोलूँगा कि ये पेन और कीड़े में कौन जीवित है, कौन लिविंग है। तो आप ये बोलेंगे सर कि जो कीड़ा है वो जीवित है ना, जो कीड़ा है वो जीवित है। क्यों जीवित है आखिर, वो सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है जिसे हम ये डिटरमाइन करेंगे, जिसे हम ये बोलना चाहिए डिफरेंशिएट करेंगे कि एक जीव जीवित है, मतलब एक लिविंग, एक कोई थिंग एक लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो वो सबसे फंडामेंटल चीज होता है बेटा आपका सेल, यानी सेल की उपस्थिति, कोशिका की उपस्थिति ही एक जीव की विशेषता है। यानी मैं अगर बोलना चाहूँ तो, अगर मैं एक जीव की यानी एक ऑर्गेनिज्म की सबसे फंडामेंटल चीज, यानी सबसे मूलभूत इकाई जो उसको जीवित बनाती है, जो उसको लिविंग थिंग बनाती है, वो चीज है कोशिका। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक, तो इन चीज़ों को हमको समझने के लिए मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा कि हमने अपने अस्तित्व को जानने के लिए, है ना, क्या क्या खोज की है। सबसे पहला कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ है, बिग बैंग थ्योरी, हमारा जो अस्तित्व है, हमारे ब्रह्मांड का जन्म, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि हमारा जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग हो सके और हमको चीज़ें, हम चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, सोच सकें। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आगे देखते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम उन कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, और एक जीव कैसे एक जीव होता है, एक निर्जीव वस्तु उसको निर्जीव क्यों बोलते हैं, इस उत्तर को ढूंढने के लिए हम इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस लेक्चर में आप बने रहिए। आगे अब हम एनसीईआरटी पे चलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा वीडियो कुछ। चलिए, तो इंग्लिश देख के घबराएंगे नहीं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे, हिंदी में प्रॉपर बताऊंगा। तो मैं वही बात बोला हूँ कि हम जो हमारा जो चैप्टर का जो नाम है, ध्यान देंगे, एक मिनट ना, तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, तो जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों दिखते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यू हैव मस्ट वंडर्ड द आस्ट यू सेल्फ वॉट इज द मेक एंड द ऑर्गेनिजम्स लिविंग, और वॉट इट इज दैट द एनिमेट द थिंग डज नॉट हैव विच लिविंग थिंग हैज। तो ऐसी वो कौन सी चीज है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको लिविंग बनाती है, यानी एक जीव को जीवित बनाती है और एक निर्जीव को हम निर्जीव बोलते हैं, तो वो कौन सी चीज है। तो इसी का उत्तर ढूंढने के लिए हमारा जो आंसर आता है, हमारा जो उत्तर आता है कि एक चीज जीवित कब बनती है और वो चीज एक निर्जीव वस्तु कैसी है। तो अगर वो जीव, अगर वो एक चीज, अगर वो एक थिंग, अगर वो लिविंग है, तो उसमें सबसे फंडामेंटल चीज जो एक लाइफ को डिनोट करेगा वो है बेटा आपका सेल, यानी कोशिका। यानी कोशिका की उपस्थिति ही, सेल का प्रेजेंस ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसका द आंसर वेयर टू दिस द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका की इकाई, जीवन की इकाई, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी जीवों में कोशिका है, सभी जीवों में कोशिका है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या फिर बहुकोशिकीय, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? ओके, अब आगे बढ़ते। तो सर, हमने ये तो समझ लिया कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी पहचान है कि उसके अंदर सेल होगा, है ना। मतलब लाइफ की सबसे फंडामेंटल यूनिट सेल है, यानी कोशिका है ना, सबसे मूलभूत जो इकाई है वो कोशिका है। अब कोशिकाएं कितने प्रकार के? तो कोशिकाएं बेसिकली जो सेल्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, यूनि यानी सिंगल, सिंगल सेल का बना हुआ, और एक होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देख रहे हो, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि केवल केवल एक ही सेल से मिलकर बना होगा, एक ही सेल से मिलकर बना हुआ, एक ही सेल से। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो बहुत से, बहुत अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी यही लिखता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी सभी के सभी जो जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। सम आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो कुछ जीव है, कुछ ऑर्गेनिज्म है, वो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, सिंगल सेल से मिले हुए। ठीक है, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो मैनी काइंड ऑफ सेल, यानी बहुत सारे मैनी सेल से मिलकर बने हुए हैं, बहुत अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। ठीक है, वाइल अदर लाइक एज अ कंपोज ऑफ अ मैनी सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम एक कोशिकीय जीव बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। ठीक है, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आपका बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक खास विशेषता ये है कि वो इंडिपेंडेंट
एग्जिस्ट कर सकता है, यानी स्वतंत्र जीवन यापन अपना कर सकता है, सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, नहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा, वो अपने लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन, यानी अपने जीवन के सारे मूलभूत जो कार्य हैं, सारे जो जरूरी कार्य हैं, वो उसको कर सकता है, उसको परफॉर्म कर सकता है, सारे इसेंशियल फंक्शन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है। समझ पा रहे? तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का लाइन बोलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर एक जो सिंगल सेल है, और अपने लाइफ के सारे इसेंशियल फंक्शन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। समझ पा रहे हैं? तो ये एनसीईआरटी लिखता है। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अगर हम, मैं एक जीवित जीव की बात कर रहा हूं, मतलब उसमें सबसे छोटी इकाई जो जीव की परिभाषा को परिभाषित करेगी, यानी एक लिविंग थिंग को डिफाइन करेगी, तो वो चीज होगा बेटा आपका सेल। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, सेल ही जीवन की पहचान है, सेल ही लाइफ की बोलना चाहिए डेफिनेशन है। ठीक है, सेल से कोई भी छोटा चीज लाइफ नहीं हो सकता, सेल से छोटा चीज कोई लाइफ नहीं हो सकता, है ना? तो यहाँ बस वही लिखा है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कोई भी चीज जो जीवित है उसमें कम से कम एक छोटी कोशिका होगी ही होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सभी जीवित जीवों में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है। यानी जो एक जो कोशिका है वो एक जीव की, एक जो कोशिका है वो एक जीव की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल बोल रहा है ना, तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या इकाई है बेटा? क्रियात्मक इकाई है। क्या है इकाई? है क्रियात्मक इकाई, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक छोटा सा लाइन दी जिसको हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद तो रखना है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन है। एंटोनी वॉन लेवनहॉग, जो एंटोनी वॉन लेवनहॉग थे, एंटोनी वॉन लेवनहॉग ने पहली बार एक कोशिका को देखा था और उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक लिविंग सेल को। उन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को देखा था और उनमें एक लिविंग सेल का वर्णन किया। ओके, एक जीवित कोशिका को पहली बार देखा था एंटोनी वॉन लेवनहॉग, लिविंग सेल, जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लेवनहॉग ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या को देखा, मतलब किसी खोज की, न्यूक्लियस की खोज, अलग चीज होता है, देखा ज्यादा सही, मेरे ख्याल से ज्यादा सही है कि देखा, है ना? तो डिस्कवर किसने किया बेटा? न्यूक्लियस ने किया, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर, न्यूक्लियस को खोजा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको रॉबर्ट ब्राउन, सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा? एंटोनी वॉन लेवेनहॉग ने। ठीक है, सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? एंटोनी वॉन लेवेनहॉग ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा था। इसके बाद जैसे जैसे माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होता गया, हम एक सेल को और अच्छे से समझ पाए और समझते जा रहे हैं। अभी भी हमारी खोज पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है जिसमें हम जितना जान रहे हैं वो बहुत कम है। अभी भी खोजें चल रही है हॉर्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, लंदन में, ताकि हम अपने जीवन को सरल बना सकें। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? ठीक है, ठीक है। तो इन द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड द ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल्स इन दिस सेल। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होती गई, हमने सेल को और गहराई से, और सेल के ऑर्गेनेल को, जो सेल की कोशिकांग है ना, एक सेल कोशिका की जो कोशिकांग है उसको हमने गहराई से अध्ययन किया है, जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1838 में, सबसे पहले 1838 में जो स्लाइडेन थे, है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन,
जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे बेटा ये? जर्मन बॉटनिस्ट है ना, ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। स्लाइडेन ने बहुत से पौधों पर, यानी बहुत से प्लांट्स पर स्टडी किया, पौधों पर अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि जो प्लांट है वो मैनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। मैनी टाइप या मैनी काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, मैनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत मतलब कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन? एक जो पौधा है ना। इसने देखा, स्लाइडेन 1838 में, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्लाइडेन ने प्लांट बॉडी पर अध्ययन किया और उन्होंने देखा, स्टडी किया, उन्होंने देखा कि एक प्लांट बहुत सारे सेल से, बहुत प्रकार के सेल से, बहुत सारे सेल और अनेक प्रकार के सेलों से, यानी मैनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो सेल है, ये जो सेल है ना, इन जो सेल्स का जो ग्रुप है ना, जब ग्रुप ऑफ सेल्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो सेल्स का जो ग्रुप है बेटा, सेल्स का जो ग्रुप है, किसका ग्रुप? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का जो ग्रुप है, ये मिलकर क्या बना रहा है? एक प्लांट में टिश्यू बना रहा है। क्या बना रहा है? टिश्यू बना रहा है, यानी क्या बना रहा है? ये ऊतक बना रहा है। तो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह क्या बना रहा है? मिलकर ऊतक बना रहा है। क्या बना रहा है? ऊतक बना रहा है। ठीक इसी समय एक और वैज्ञानिक आए, जिसको आप बोल सकते हैं 1839 के अप्रोक्स में, जो कि थे श्वान। कौन थे? श्वान थे। श्वान ने, श्वान क्या थे? श्वान सबसे पहले तो ये क्या थे? ये जूलॉजिस्ट थे, है ना? तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट क्या थे ये? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और इन्होंने ये देखा, एनिमल सेल पर इन्होंने स्टडी किया, एनिमल सेल पर इन्होंने स्टडी किया, यानी बोलना चाहिए जंतु कोशिका पर इन्होंने अध्ययन किया, एनिमल सेल पर इन्होंने स्टडी किया और देखा कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल का, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो थीन मैम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। थीन मैम्ब्रेन जैसा एक झिल्ली है ना, यानी एक पतली झिल्ली, ठीक है। और उन्होंने इस मैम्ब्रेन को बोला प्रोटोप्लाज्म, है ना, जिसको हम आज क्या के नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मैम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं बेटा? प्लाज्मा मैम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मैम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो एनिमल सेल की सबसे आउटर बाउंड्री, यानी जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत, जो कि एक पतली झिल्ली जैसी संरचना है, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, यानी जीव द्रव्य झिल्ली का के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है बेटा। सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। श्वान ने एक और बात भी देखा कि इन्होंने प्लांट बॉडी पर जब अध्ययन किया, इन्होंने पौधों पर जब अध्ययन किया, तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, वहाँ पर लाइट, शायद लाइट का थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, मूट करो, शायद लाइट चला गया है। ठीक है, हाँ, एक्चुअली क्रोमा में लाइट पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जो श्वान थे, उन्होंने प्लांट सेल पर स्टडी किया और उन्होंने एक बात देखा कि प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है सर, वो सेल मेम्ब्रेन ना हो करके, सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में भी है, बट आउटर बाउंड्री यहाँ सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल तो नॉन लिविंग होता है, सेल वॉल जो कि कोशिका भित्ति है। यहाँ प्लांट सेल में जो सबसे बाहरी परत है एक कोशिका की, सेल की, वो क्या है? सेल वॉल, यानी सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति, जो कि प्लांट सेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर है बेटा। सेल वॉल का पाया जाना स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक क्या है? कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका? प्लांट सेल का। क्या क्या पाया जाना?
कि उसमें सेल वॉल उपस्थित है, उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है। कोशिका भित्ति का पाया जाना है, सेल वॉल का पाया जाना एक प्लांट की विशेषता, स्पेसिफिक कैरेक्टर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ पा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो उन्होंने ये बात देखी। अब इसी चीज को लेकर, इसी हाइपोथेसिस को लेकर श्वान ने एक बात बोला, श्वान ने एक बात बोला, है ना, श्वान ने एक बात बोला, एक बार पेन बदल लेते हैं ना, आ जा भाई, श्वान ने नहीं, दूसरा पेन लेते हैं, आ जा भैया। श्वान ने एक बात बोला, क्या बात बोला, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यानी एक जो जीवित जीव है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, यानी कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर, प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हाइपोथेसिस किसने दिया बेटा? श्वान ने दिया। किसने दिया? श्वान ने दिया। अब स्लाइडेन और श्वान ने आपस में मिलकर बात की और उन्होंने शेल थ्योरी दे दिया। क्या दे दिया? शेल थ्योरी, यानी कोशिका का सिद्धांत दे दिया। कोशिका का क्या दे दिया? सिद्धांत दे दिया। और इस कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बोला कि सभी सभी जीवित जीव जो है, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सेल, और किसने? स्लाइडेन और श्वान दोनों ने, है ना। सेल थ्योरी किसने किसने दे रहा था पहली बार? सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड श्वान, स्लाइडेन एंड श्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया और उन्होंने बोला कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक लिविंग थिंग जो है, वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कोशिका के उत्पादों से मिलकर बनी हुई है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बनी हुई है एक सेल, और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। बट इनका जो सेल थ्योरी है वो इस बात को बताने में असमर्थ था कि एक जो नई कोशिका है, एक जो न्यू सेल है बेटा, एक न्यू सेल जो है ये आया कहाँ से, एक नई कोशिका आई कहाँ से, कहाँ से एक नई कोशिका कैसे बनी और आई कहाँ से, इन्होंने इस बात को नहीं बता पाया। नहीं बता पाया किसने? स्लाइडर सॉन सेल थ्योरी में उन्होंने इस बात को नहीं बता पाया कि एक नया सेल बनेगा कैसे। ठीक है, तो इसी समय, एक इसी समय नहीं बोलना चाहिए, कुछ वर्षों के बाद, एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विर्चो, है ना, विर्चो, लगभग 1855 के करीब। इन्होंने बोला कि एक जो लिविंग सेल है, बताया, अगर ये एक लिविंग सेल है, ये एक लिविंग सेल है, सॉरी, ये एक लिविंग सेल है ना, तो ये लिविंग सेल क्या करेगा, ये लिविंग सेल क्या करेगा, सबसे पहले तो ये ग्रोथ करेगा, है ना, अपने अंदर के प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाएगा, है ना, सबसे पहले क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा और फिर जाके ये डिवाइड करके दो नए सेल को बनाएगा। क्या करेगा? दो नए सेल को बनाएगा। कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू, यानी कोशिका के विभाजन के द्वारा ये नई कोशिकाओं को, यानी नए सेल को सेल डिवीजन के द्वारा बनाएगा। ये किसने बोला? वृक्चो ने बोला, रडोल्फ वृक्चो नाम था इनका। ठीक है, अब वृक्चो ने क्या किया, इन्होंने स्लाइडेन एंड श्वान की जो सेल थ्योरी थी उसको इन्होंने मॉडिफाई किया, और इन्होंने जो सेल थ्योरी को प्रपोज किया, उन्होंने दो बात बोली कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, दूसरा कि नई कोशिका का निर्माण, यानी नई जो न्यू सेल का बोलना चाहिए, नई जो सेल है वो पुरानी स्थित कोशिका के द्वारा, यानी पुराने सेल के सेल डिवीजन से बनेगा, पुराने सेल के सेल डिवीजन से बनेगा। यही बात एनसीईआरटी लिखता है घुमा फिरा के, जिन चीजों को मैं आपको अभी बताया हूँ। ठीक है, तो स्लाइडेन ने क्या बोला? स्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट है, मैनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है एक पौधा, उन्होंने ये देखा, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को उन्होंने बोला टिश्यू बोला। श्वान जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल को देखा, एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री को, उन्होंने एक थिन मेम्ब्रेन को देखा जिसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं।
ठीक, उन्होंने ये ही बात को देखा कि प्लांट में प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन ना हो पर सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति, जो कि उनका स्पेसिफिक करेक्टर। इसी को लेकर स्लाइडन और शॉन ने सेल थ्योरी दी। और ये जो सेल थ्योरी था बेटा, जो सेल थ्योरी था, उन्होंने बोला कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ। लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं बता पाया कि एक नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा, एक नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा, इन्होंने स्लेडन और स्वान ने नहीं बता पाया। उनकी जो सेल थ्योरी थी उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब नहीं किया। फिर 1855 में ब्रिक्चो आते हैं। ब्रिक्चो ने बोला कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है, यानी एक नए सेल का बोलना चाहिए, एक नया सेल जब बनता है तो वो पुरानी स्थित जो कोशिका है, जो सेल है, उसके डिवीजन से बनेगा। अब एनसीईआरटी सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इन 1838 मैथियस स्लाइडन, ध्यान देंगे स्लाइडन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक्सप्लेन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने बहुत सारी पौधों पर अध्ययन किया और उन्होंने उनको उनको उनके अध्ययन से ये मिला कि जो प्लांट बॉडी है वो मैनी टाइप ऑफ यानी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, और ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, यानी क्या बना रहे हैं, उत्तक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के जो समूह है वो मिलकर आपस में उत्तक बना रहे हैं। थियोडोर श्वान ने अगेन 1839 में उन्होंने ये बात बोला, थियोडोर श्वान ने ये बात बोला, क्योंकि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थी, ये याद रखिएगा कि जो स्लाइडन है वो जर्मन बॉटनिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और जो श्वान है, जो थियोडोर श्वान है, वो जूलॉजिस्ट है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पर और उन्होंने यह बताया कि जो एनिमल सेल की जो आउटर लेयर है यानी आउटर जो बाउंड्री है वो एक मेम्ब्रेन है जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और उन्होंने यह बात को भी बताया, ही ऑल्सो कंक्लूड द बेस्ड ऑन द ही स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, यानी पौधों में कोशिका भित्ति का पाया जाना पौधों की विशेषता है, यानी प्लांट बॉडी में सेल वॉल का पाया जाना है ना, सेल वॉल का पाया जाना उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। इसी को बेस मानकर जो स्वान थे उन्होंने एक बात बोला कि एक हाइपोथेसिस दिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यानी स्वान ने बात बोला, इन्होंने एक परिकल्पना दी कि प्लांट और एनिमल बॉडी कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने हुए हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। फिर आगे जाकर स्लाइडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किया। उन्होंने बोला उन्होंने उन्होंने सेल थ्योरी दिया और यही बात को बोला कि एक जो प्लांट और एनिमल बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने। बट उनका जो ये थ्योरी था वो ये बताने में असमर्थ था कि दिस थ्योरी इज हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल वे फाउ, यानी एक नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा। फिर 1855 में, ध्यान देंगे 1855 में, 1855 में रडल्फ ब्रिक्चो आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नई कोशिका का निर्माण एक पुरानी स्थित कोशिका के सेल डिवीजन से होगा। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया दैट द सेल डिवाइडेड एंड द न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी एक नई कोशिका का निर्माण पुरानी स्थित कोशिका के द्वारा होता है। किसने बोला, रडल्फ ब्रिक्चो ने 1855 में। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, क्या होगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला बोलेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला, किसने दिया, रडल्फ ब्रिक्चो ने। ठीक है, और उन्होंने स्लाइडन और स्वान के जो सेल थ्योरी था उनको उन्होंने मॉडिफाई किया, उन्होंने उसको रूपांतरित किया और फाइनल शेप देकर उन्होंने सेल थ्योरी को दिया। और ये सेल थ्योरी बोलती है यू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी सभी जीवित जीव कोशिका और कोशिका के उत्पादन से मिलकर बने हुए हैं, और पूरा नई कोशिका का निर्माण पुरानी
पुराने स्थित कोशिका के द्वारा होता है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी कोशिकाओं का निर्माण, सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पुराने स्थित कोशिकाओं द्वारा होता है। समझ पा रहे हैं? आया समझ में? तो ये लेक्चर नंबर 1 था। इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स को थोड़ा थोड़ा हमको स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी। और हमको लेके चलना है कि हमारा जो एम है, जो है नीट का जो एग्ज़ाम, नीट 2024, जिसमें हमको फोड़ना है ना, किसी भी तरीके से, है ना। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खास कर मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, आप बस मैं जितना समझा रहा हूँ आप हिंदी एनसीईआरटी लेके जो चीज़ें आपको इंग्लिश में नोट करना है आप नोट कीजिए। एक एक चीज़ लाइन टू लाइन मैं समझाऊंगा, और आप इंग्लिश मीडियम के तो आपको तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बस हमको एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि बोलते हैं कि बार बार जब एक कोयला है ना, जब एक हीरे को जब बनना होता है ना, तो उसको बहुत तरासा जाता है, बहुत घिसा जाता है, तब वो जाके एक हीरा बनता है ना। तो उस हीरे को, वो हीरा आपको बनना है, आपको अपने आप को तराशना है, घिसना है, और वो चमक लानी है कि आप अपने एग्ज़ाम में फोड़ दें नीट 2024, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को उन तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय बाय। आपको जो बोलना चाहिए नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है।